नमस्कार दोस्तों, मैं विनय त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर। और आज जो प्रश्न हम लगाने जा रहे हैं वो है दक्षता अभ्यास के MSE क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो बिना समय गवाए फटाफट प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 13वां प्रश्न जो है वो ये है कि दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्या मान लेंगे। माना कि छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या मैंने क्या मान ली x, तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या योगफल है 710, तो क्या हो जाएगी 710 माइनस एक्स। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी बड़ी संख्या है 710, 710 माइनस एक्स बटे एक्स, तो कितना आएगा, भागफल आएगा 12 और शेषफल आता है 8। भागफल 12 और शेषफल 8। इस लाइन को दोस्तों मैंने समझने के लिए आप लोगों को लिखा है। यहां पर हम एक सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र ये होता है कि किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो उसको सूत्र में इस तरह से लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर ये x मेरा क्या है, x मेरा भाजक है, x क्या है भाजक, और ये क्या है भाज्य जिसमें हमने भाग दिया। तो इन सभी के मान हम उठाकर इसमें नीचे जो है रख देंगे। जब रखेंगे तो 710 माइनस एक्स बराबर एक्स गुणे भागफल है 12 धन शेषफल है 8। तो ये 710 माइनस एक्स बराबर 12 एक्स प्लस 8। अब यहां से 12 एक्स आएगा इधर और 710 जाएगा। देखते हैं फटाफट क्या होता है। माइनस एक्स माइनस 12 एक्स बराबर 8 माइनस 710, तो इधर आ जाएगा माइनस का 13 एक्स जुड़ जाएंगे और ये 8 कम हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है माइनस 702। तो ये 13 जो है ये मेरा जाएगा यहाँ पर भाग में, क्योंकि उधर है गुणे में। तो माइनस 702 भाग देंगे माइनस 13 का, माइनस से माइनस कट गया, 13 बचे 65, बचे 5, 65 और 5 70 52 हो गए, 13 चौको 52, तो x बराबर आ गया यहाँ से 54। तो छोटी संख्या कितनी आ गई 54, अतः छोटी संख्या बराबर 54, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, सात सौ दस में से हम 54 घटा दें, तो 710 में से 54 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 656। यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरह से मेरा जो है ये खा नंबर जो है ये सही हुआ खा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब बिना समय गवाए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15, 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमसे पूछा गया है। दोस्तों इन तीनों को हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लेंगे। और तुरंत बहुत इजी प्रश्न है ये, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर। तीनों को जोड़ देंगे तो इस तरफ जोड़ेंगे तो ये 2y प्लस जेड प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x प्लस y। इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, बराबर इस तरफ 17 धन 15 धन 10। अब इन तीनों को जहाँ पे x, x देखो कहाँ कहाँ पे है, ये x है दो जगह, और y कहाँ कहाँ पे है, ये और ये y है, और बाकी जो दो जगह बची हैं वो z है, ये और ये। तो तीनों को एक साथ लिख देंगे, x और 2x हो गए 3x प्लस 2y और y हो गए 3y प्लस z और z हो गए 3z बराबर 17 10 27, और 27 में 15 जोड़ो 37, 37 और 5 42। तो ये मेरा इस तरह से इस तरफ जो है 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस y प्लस z इजुकल टू 42। तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z इजुकल टू ये 3 जो है बटे में चला जाएगा, मान हमसे इसी का पूछा है, तो 42 बटे 3। तो ये दोस्तों जो है 3 का भाग दे देंगे 42 में, 3 एकम 3, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौको 12। तो यहाँ से x प्लस y प्लस z बराबर 14 आ गया, और आंसर में जो ऑप्शन दिए थे वो थे, तो आंसर में जो ऑप्शन दिए थे वो ये थे मेरे पास 42, 41, 39 और 14। तो इसमें से घ ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, तो यही मेरा जो है आंसर हो गया। अब दोस्तों बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो ये जो है समीकरण दिया गया है, इसको हल करके हमें x का मान निकालना होगा। सबसे पहले हमने समीकरण लिख लिया, x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस x माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस x माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3। यहाँ पर दोस्तों एक लगेगी इसमें छोटी सी ट्रिक, उसको आपको रखना है ध्यान, और वो ट्रिक इस तरह से है कि ये 3 जो है ये बराबर के इस तरफ ले आएंगे, और ये एक जगह नहीं लिखेंगे बल्कि प्लस इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 और फिर x माइनस सी माइनस ए बटे बी, फिर से माइनस 1 और फिर x माइनस ए माइनस बी बटे सी, और यहाँ पे भी माइनस 1 बराबर 0। ये दोस्तों 3 जो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस 3 मैंने 3 जगह लिख दिया, एक जगह ना लिख के ये माइनस 3 मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ। फायदा ये होगा कि यहाँ पर हम लासा ले लेंगे ए का, तो x माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे बी लासा आएगा और यहाँ पे लासा आएगा सी, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। इन तीनों जगह से हमें कॉमन मिलेगा एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और अंदर बचेगा एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी बराबर 0। ये पूरी संख्या जो है दोस्तों ये पूरा बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये 0 से बटे में हो जाएगा, तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 बटे एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे। और दोस्तों अंश में अगर 0 है और हर में कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 ही आता है, इधर आ जाएगा 0, इधर हो गया x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ से ये पूरा ए बी सी जो है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का है इधर, इधर चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस मेरे पास दिए गए थे, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला a माइनस बी प्लस सी, दूसरा a प्लस बी प्लस सी, तीसरा a प्लस बी माइनस सी, और चौथा था b प्लस सी माइनस सी। और इसमें से जो मेरा आंसर आया है वो दूसरे ऑप्शन में है।